ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है संगठन की सफलता। हाथ की 5 अंगुलियां हैं, हम सब जानते हैं। एक बार 5ों ही अंगुलियों में 4 अंगुली और 1 अंगूठा, 5ों में झगड़ा हो रहा था। हर एक अपने को बड़ा समझ रहे थे और आपस में बहुत डिस्कस कर रहे थे। आखिर तक निर्णय नहीं हो पाया, यहां तक कि यह बात सिद्ध करने के लिए अदालत में आना पड़ा। न्यायाधीश ने पहले तो सबका सुन लिया और कहा जिनको जो बोलना है बोलो। तो अंगूठे ने कहा कि देखो, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, हस्ताक्षर करने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है। तो उसकी पास वाली अंगुली ने कहा कि मैं तो व्यक्ति की पहचान हूं, किसी भी व्यक्ति को पहचान दी जाती है तो मेरे ही अंगुली का प्रयोग किया जाता है, प्रभु की तरफ भी इशारा मेरी अंगुली से किया जाता है। तो उसके पास वाली बड़ी अंगुली ने कहा, अरे आपको मालूम नहीं, मैं देखो सबसे बड़ी हूं, मैं तो दिखने में ही बड़ी हूं, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की क्या जरूरत है। तो उसके बाद वाली अंगुली ने कहा, मैं तो बहुत अमीर हूं, क्योंकि हीरे जवाहरात की अंगूठियां मेरे अंदर ही आती है। तो छोटी ने भी कहा कि मैं भले दिखने में छोटी हूं, परंतु गोवर्धन पहाड़ तो मैंने ही उठाया है। इसी प्रकार हर एक ने अपना दलील दिया। तो न्यायाधीश ने क्या किया, एक रसगुल्ला मंगाया और पहले अंगूठे को कहा कि तुम अपनी शक्ति से ये रसगुल्ला उठाओ। अब वो अकेला उठाने गया, उठा ही नहीं सका। फिर उसने नंबरवार एक एक अंगुली को चांस दिया रसगुल्ला उठाने का, लेकिन एक भी अंगुली उठा नहीं सकी। फिर न्यायाधीश ने कहा, अच्छा भी सभी मिलकर के इसको उठा। जैसे ही सभी ने मिलकर उठाया, एक सेकंड में उठा लिया। तो न्यायाधीश ने कहा, देखो फैसला आपके सामने है, जब संगठन में हम कार्य करते हैं तो हर असंभव कार्य संभव रहता है। कभी भी अपना ये अभिमान भी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक दो के सहयोग में रहना चाहिए, तभी सभी को समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार हम भी जीवन के अंदर हमेशा याद रखें कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन में बड़ा बल है। संगठन में रहने से हमारे अंदर बहुत गुण आते हैं, हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने को अकेला समझ, संगठन से दूर न रहे, किनारा न करें, परंतु संगठन में रहकर हर असंभव कार्य को संभव करके आगे बढ़ते जाएं। ओम शांति।